अरे सुन भैया, अरे सुन बाबूजी, अरे दारू पियब सब कुछ खत्म हो जाए, अरे अंत समय कछु काम न। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नौकरी के दौरान सख्ती से शराबबंदी कानून का पालन कराते नजर आते थे। अब राम कथा से लोगों को शराब के खिलाफ एकजुट होकर संदेश दे रहे हैं। बुधवार को एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कि राम कथा के दौरान बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लोगों तक संदेश देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब से काफ़ी कुछ नुकसान होता है और अंत समय में भी यदि शराब पिएंगे आप तो वो कोई काम नहीं आएगा। दरअसल पूर्णिया में गुप्तेश्वर पांडे ने कथा के दौरान शराब के खिलाफ भोजपुरी गाना गाकर महिलाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वह शराबबंदी को लेकर हर कथा में बोल रहे हैं कि शास्त्रों में भी शराब को पतन का कारण बताया गया है। मदिरा पान को समाज के पतन का कारण बताते हुए कहा गया है कि यह धन संपत्ति से लेकर तन और मन का नाश करता है। कि सुन भैया, अरे सुन बाबूजी, घबरा के नहीं, अरे सुन भैया, अरे सुन बाबूजी, अरे दारू पियब सब कुछ खत्म हो जाए, अरे अंत समय कछु काम न आए, अरे दरुपयोग सब कुछ खत्म हो जाए, दरुपयोग सब कुछ खत्म हो जाए, अंत समय कछु काम न आए, दरुपयोग सब कुछ खत्म हो जाए, अंत समय कछु काम न आए, दरुपयोग सब कुछ खत्म हो जाए, अंत समय कछु काम न आए, दरुपयोग सब कुछ खत्म हो जाए, अंत समय कछु काम न आए, दारु के बह खेल निराला मन सब बर्बाद हो, दारु के बह खेल निराला मन सब बर्बाद।